हाई एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज़ मी तमन्ना सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू क्लास ट्वेल्थ फाइन आर्ट्स चाप्टर टेन दैट इज़ मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्निज़म के बारे में ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं छोटा सा चैप्टर है जब सो so, अगर हम लोग बात करें इंडियन मॉडर्न आर्ट की तो उसमें सेवरल डिसप्लिन आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि ड्राइंग्स भी हैं पेंटिंग्स भी हैं फोटोग्राफी भी है और स्कल्पचर्स भी हैं एंड इसमें इम्पॉर्टेंस दिया गया है वेस्टर्न और यूरोपियन स्टाइल को इंडियन स्टाइल को नहीं वेस्टर्न और यूरोपियन स्टाइल को इसलिए इसको मॉडर्न स्टाइल कहा जाता है ना अब हम लोग आगे अपने सिलेबस में पढ़ेंगे भी स्कल्पचर्स के बारे में ग्राफिक्स के बारे में एंड पेंटिंग्स के बारे में सो इन ऑल अगर हम लोग देखें तो इसमें सेवरल डिसिप्लिन होते हैं और ये इंडियन स्टाइल पे बेस्ड नहीं होते हैं ना ही ये एशियन ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं अब नाउ एक न्यू रिवोल्यूशन आया मिड नाइनटीन सेंचुरी में मिड नाइनटीन सेंचुरी में जो बहुत सारे आर्ट स्कूल्स थे उनको मेजर सिटीज़ में इस्टेबलिश किया गया जैसे कि लाहौर में बॉम्बे में कैलकाटा में या फिर मद्रास में ये जो आर्ट स्कूल्स थे ये प्रमोट करते थे ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट और एकेडमिक एंड नेचुरल आर्ट तो ये ट्रेडिशनल इंडियन जो आर्ट थी और एकेडमिक आर्ट थी जो कि हमने बंगाल स्कूल में पढ़ा था और नेचुरल आर्ट को ये लोग जो है प्रमोट करते थे जी ये आर्ट स्कूल्स थे ना अगर हम लोग बात करें बंगाल स्कूल की जिसने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है हमने पढ़ा है एंड अब वो जो स्कूल है इसको एज अ कंजर्वेटिव कहा जाता है क्योंकि अब इसका जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया है ना अगर हम लोग बात करें गगेंद्र नाथ रबेंद्र नाथ इन लोगों को इंटरनेशनल ट्रेंड्स के बारे में पता था जैसे कि क्यूबिज़म और एक्सप्रेशनिज़म और इन्होंने सोचा कि ज़रूरी नहीं है हम आर्ट को कॉपी करें हम लोग आर्ट को कॉपी नहीं करेंगे बट हम लोग अपना ख़ुद का एक वर्ल्ड बना सकते हैं आर्ट के थ्रू यानी फॉर्म्स लाइंस और कलर पैचेस के थ्रू क्योंकि देखो जब हम लोग बेंगाल स्कूल पढ़ रहे थे तब तो हमने यही कहा था ना कि हम लोग कॉपी क्यों करें है ना कॉपी यूरोपियन पेंटिंग्स को बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि हम लोग कॉपी नहीं करेंगे वी मे नॉट नीड टू कॉपी द वर्ल्ड बट हम लोग खुद का तो क्रिएट कर सकते हैं ना फॉर्म्स लाइंस और कलर पैचेस से तो इसलिए बहुत सारे आर्टिस्ट ने धीरे धीरे धीर एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो न्यू जो है ट्रेंड्स को डिफाइन कर सकें जो इंडो यूरोपियन आर्ट थी इसको पॉपुलैरिटी तो मिल नहीं रही थी इस टाइम पीरियड में सो मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट ने क्या किया वो उन्होंने पेंटिंग छोड़ दी और कोई और जॉब करने लगे बिकॉज फॉर लाइवलीहुड लाइवलीहुड के लिए उनको दूसरी जॉब्स करनी पड़ी अब अगर हम बात करें इन दिस रिगार्ड राजा रवि वर्मा राजा रवि वर्मा मेनली इंडियन मैथोलॉजिकल थीम्स पे पेंटिंग्स करते थे जो कि प्योर यूरोपियन स्टाइल में होती थी ठीक है मतलब कह सकते हैं इनकी पूरी टेक्निक भी जो थी या फिर थीम थीम्स इंडियन होती थी लेकिन जो टेक्निक्स थी वो प्योरली यूरोपियन होती थी इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है इनकी पेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती थी एंड इनकी पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि वो एज अ फॉर्म ऑफ ऑलियोग्राफ्स लोगों के घर में पहुँच रही थी एज अ फॉर्म ऑफ ऑलियोग्राफ्स दूसरी बात इनकी जो पेंटिंग्स है एज अ फॉर्म ऑफ कैलेंडर्स भी लोगों के घर में थी मिलियंस ऑफ होम्स में तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि इनकी जो पेंटिंग्स है एज अ फॉर्म ऑफ कैलेंडर है एंड इसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इम्प्रेस होके जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बना जिसके लीडर थे एफ एन सजा एंड इसमें बहुत सारे मेम्बर्स थे जैसे कि एम एफ हुसैन वगैरह वगैरह ये आर्टिस्ट ने क्या किया डिक्लाइन कर दिया बंगाल आर्ट को और वेलकम किया इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट को जैसे कि अगर हम लोग इन आर्टिस्ट के एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो हैं मुकुल दे मनीष दे राम कुमार नारायण रामचंद्र ये था ऑल अबाउट मॉडर्न ट्रेंड्स सो so, कैसे हमें यही लिखना है कि कैसे जो बंगाल स्कूल है वो डिक्लाइन हुआ और मॉडर्न स्कूल जो है उसका इमर्जेंस हुआ इंटरनेशनल स्टाइल को लोगों ने प्रमोट किया और क्या लोगों के थाट्स थे उस टाइम पे एंड यहाँ पे दो पेंटिंग्स आप लोग देख सकते हो ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम एक, में आएंगी तो नहीं ऑफकोर्स बिकॉज सिलेबस में नहीं है बट आप एक बार देख सकते हो सती पेंटिंग है नंदलाल बोस की एंड ये स्वर्णपुरी द्वारका है जो कि गगेंद्र की है अब आप देख सकते हो ये आपको क्यूबिज़म से इंस्पायर दिख रही होगी ये वाली गगेंद्र की पेंटिंग बिकॉज ऑब्वियसली जो ये गगेंद्र की पेंटिंग्स थी वो क्यूबिज़म पे जो है ये पेंटिंग ज़्यादा बनाते थे सो so, इसलिए क्यूबिज़म से इंस्पायर्ड है विद दिस हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है एंड होपफुली तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे बिकॉज़ ये चैप्टर थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो से भी रिलेटेड है तो अगर तुम लोगों ने बंगाल स्कूल नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ना है एंड उसके बाद इस वाले स्कूल पर आना मॉडर्न ट्रेंड्स पर आना सो so, होपफुली समझ आ गया होगा एंड अब हम लोग जो है इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं गगेंद्र नाथ टैगोर डेलीनेटेड लाइट एंड शेडो इफेक्ट इन द पेंटिंग जस्ट लाइक सो so, गगेंद्र टैगोर क्या करते थे हमने देखा था क्यूबिज्म करते थे वो तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज़ क्यूबिज्म नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर कैप द नेचुरैलिटी इन द हिज पेंटिंग्स हिज अप्रोच इज नोन एज ये एक्सप्रेशनिज्म करते थे ये भी हमें पता है रविंद्रनाथ टैगोर इंस्पायर थे एक्सप्रेशनिज्म से और गगेंद्र टैगोर जो है क्यूबिज्म करते थे नेम द आर्टिस्ट यूज रूरल सराउंडिंग्स इन हिज एंड देयर ओरिजिनल वर्क सो अगर हम लोग बात करें जो जोमिनी रॉय थे और जो नंदलाल बोस थे ये डिपेक्ट करते थे रूरल सराउंडिंग्स को तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बोथ बी एंड सी सो इथ दिस हम लोग ने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है होपफुल तुम लोग को समझ आए होगा इन एफ यर्स देन डोंट फोरगेट टू सब्ब्राइब द चैनल एंड स्टेट यून फॉर मूवीडियोजन टेक के बबाई एंड हैवे नाइस डे